हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो लास्ट सीरीज़ में मैंने आपके साथ पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। आज हम करेंगे आपकी आज की क्लास में द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में मैं आपको कुछ पढ़ा रही थी जिसमें मैंने आपको बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। उसी क्रोनोलॉजी को कम्प्लीट करते हुए आज हम करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो मौर्यन एम्पायर्स में हम देखेंगे कि कहाँ तक मौर्यन एम्पायर फैला था, मौर्यन एम्पायर में इंपॉर्टेंट रूलर कौन से थे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूलर आता है आपका अशोका। अशोका के बारे में बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। आज के इस पूरे सेशन में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको कहना चाहती हूँ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट, यू जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको पहले की क्लासेस को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू द टुडे सेशन। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। फर्स्ट वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है, प्लीज गो एंड चेक द वीडियो जो कि हमारे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। एक बार जाके देख लीजिए हिस्ट्री के तीन जो क्रोनोलॉजी मैंने बताए थे। तो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूंगी एंशियंट हिस्ट्री में। सबसे फर्स्ट क्लास में जो मैंने किया था आप लोगों के साथ डिस्कशन, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही आपका एक और नेम भी बोलते हैं, दैट इज हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वी हैव डिस्कस, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पीरियड आपको मैंने बताया था, दैट इज वैदिक एज, ठीक है। तो वैदिक एज में मैंने आपको बताए थे कि जब वैदिक एज पीरियड शुरू होता है तो बाहर से आर्यंस का इन्वेजन होता है इंडिया में, ठीक है। आर्यंस कहाँ से आते हैं? आर्यंस आपके आते हैं सेंट्रल एशिया से, ठीक है। सेंट्रल एशिया से इंडिया में ये आते हैं घूमते घूमते। ये कौन होते हैं? ये आपके नोमैडिक ट्राइब होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जनरली होते हैं नोमैडिक ट्राइब। तो ये इंडिया में आते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वैदिक एज। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वैदिक एज अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड में डिवाइडेड था। तो लेटर वैदिक पीरियड आते आते यहाँ पे आपके वर्णाश्रम, कास्टिज्म का सिस्टम कंसेप्ट आने लगा था। तो इसी से बचने के लिए लोगों ने दो रिलीजन में जाना एक्सेप्ट किया। फर्स्ट वन रिलीजन इज बुद्धिज्म, सेकेंड इज जैनिज्म। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। बुद्धिज्म में मैंने आपको बताया था दी फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज गौतम बुद्धा, जिनका ओरिजिनल नेम आपका था सिद्धार्था। जैनिज्म के बताए थे मैंने आपको ऋषभ देव आपके इसके फाउंडर थे, ठीक है। और प्रेजेंट में लास्ट 24 तीर्थंकर आपके कौन थे? महावीर जैन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आज की क्लास में हम कहां से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वैदिक एज के बाद मौर्यन एम्पायर, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है, दैट इज मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं उसको पहले समझ लीजिए, देन हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए मौर्यन एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर आपका है एंशियंट हिस्ट्री का। मौर्यन एम्पायर में आपने एक फेमस रूलर का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, सुना है। तो सबसे पहले मौर्यन एम्पायर में सबसे पहले आपका कौन आता है? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा आपका था बिंदुसारा। नाम याद रखना, बिंदुसारा। तो बिंदुसारा का जो सन था दैट इज अशोका, ठीक है। तो जो आपको मौर्यन एम्पायर में पूरा पढ़ना है, जिस लीडर के बारे में समझना है, वो लीडर आपका कौन है? अशोका है। क्लियर हो रहा है? मौर्यन एम्पायर में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा आपका था बिंदुसारा, बिंदुसारा का बेटा आपका आता है अशोका। तो पूरी उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रूलर है दैट इज अशोका, बिकॉज अशोका इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हु कंक्वायर इन द पैन इंडिया, ठीक है। अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को किल किया एंड देन फिर ये कब की गद्दी में बैठ गए। बट दी वॉर दैट इज नोन एज द कलिंग वॉर। तो कलिंग वॉर में अशोका का री इनलाइटमेंट होता है और वहां से वो बुद्धिज्म ज्वाइन करते हैं एंड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म एक पर्सन बन जाते हैं। फिर वो जितने क्रूर थे उतने ही आपके नॉर्मल हो जाते हैं और धम्मा की पॉलिसी लाके पूरे इंडिया में, वर्ल्ड के नियर बाई कनेक्टिविटी में धम्मा का प्रचार प्रसार करते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चंस में। थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल गया, नाउ आप क्वेश्चंस करेंगे तो यू हैव अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक बार ये देखिए कि मौर्यन एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला था। देखो पैन इंडिया में रूल करने वाला रूलर था, बहुत जगह तक ये फैला था। देखिए आप नदन पार्ट में, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया था ना, ओनली इज लिमिटेड टू दी नदन पार्ट, बट यू कैन सी यहाँ पर आप देखिए
यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे अशोका के पिलर्स भी बताए। अशोका मौर्यन एम्पायर आपका 250 BCE के टाइम पीरियड का है। यहाँ देखिए आप सबसे पहले साउथ में देखिए, यू कैन सी दिस इज ए ब्राउन कलर इज शोइंग दी लोकेशन ऑफ दी मौर्यन एम्पायर। तो देखो नदन पार्ट से लेके ईस्टर्न पार्ट में आप आ जाओ, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा और इधर भी आपको देखने को मिलेगा। तो मौर्यन एम्पायर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो कि इंडिया के बहुत बड़े लैंड में फैला हुआ था, ठीक है। तो देखो यहाँ तक्षशिला से लेके आपको नीचे देखने को मिलेगा एकदम एंड तक, ब्रह्मगिरी से लेके यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अब अशोका के इस मौर्यन एम्पायर में इंपॉर्टेंट क्या है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट इसकी मेन कैपिटल सिटी थी, ठीक है। तो मेन कैपिटल सिटी में कौन कौन सी थी वो पहले देखते हैं। सबसे पहले तक्षशिला, वन कैपिटल मेन इंपॉर्टेंट सिटी मौर्यन एम्पायर की। अनदर वन इज पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा आपका प्रेजेंट डे कहां पर है, बिहार में है। नेक्स्ट इज उज्जैन, उज्जैन में आपका एक फेमस टेम्पल भी है, दैट इज महाकालेश्वर टेम्पल, तो उससे ध्यान रखना उज्जैन। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक यहाँ पर भी था आपका धौली, धौली प्लेस यहाँ पर भी लोकेटेड है। तो ये तीन चार जो है ना ये सबसे पहले ध्यान रखनी है, मेन कैपिटल सिटी थी मौर्यन एम्पायर की। बाकी जो रेस्ट आपको देखने को मिल रही है दीज आर स्मॉलर सिटी, अनदर सिटीज ये आपकी थी। तो पहली चीज, उसके बाद अशोका ने पिलर और कुछ मेजर और माइनर रॉक का इंस्क्रिप्शन करवाया था। तो कुछ पिलर इंस्क्रिप्शन करे थे, पिलर एडिक्ट किए थे, जिसमें पिलर्स में अशोका ने धम्मा के बारे में और अनदर चीजों के बारे में मेंशन किया था। तो पिलर इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ पर हुए थे, यू कैन सी सारनाथ में आपको मिलेगा, आपको यहाँ देखने को मिलेगा, लुम्बिनी में देखने को मिलेगा, कालसी में, दिल्ली के पास, पूरे इंडिया में इन्होंने बहुत जगह पे सबसे ज्यादा पिलर और रॉक का इंस्क्रिप्शन अशोका ने ही करवाया था, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन में आएंगे तो वहां आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है, एट विच प्लेस मौर्यन एम्पायर बिल्ट पैलेसेस, कौन सा प्लेस था जहां पर मौर्यन एम्पायर ने पैलेसेस बनाए थे। ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्रा, कुमारगढ़, उसके बाद राजगरा एंड नन ऑफ द अबव। बताइए, तो ट्राई करिए। अभी मैंने आपको मैप में भी दिखाया कि मौर्यन एम्पायर कितने वास्ट एरिया पे फैला था, तो कहाँ कहाँ पर इन्होंने आपके पैलेसेस बनाए थे। ट्राई करिए, पाटलिपुत्रा क्या है, राजगरा है, राजगरा के बारे में बताया था, राजगरा, वैशाली, कुंडलवन। राजगरा में आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी, याद करिए पिछली क्लास आपको समझाया था, बुद्धिस्ट काउंसिल भी आपकी एक राजगरा में हुई थी। चल देखते हैं आंसर, पहले समझिए, जब अशोका के रीजन में, अशोका के टाइम में जब मौर्यन एम्पायर था, तो ये प्रिसीडर था मौर्यन एम्पायर का, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पैलेसेस बनाए थे। एक पैलेसेस नहीं बनाया था, एक बनाया था कुमारगढ़, जो कि पाटलिपुत्रा में, मॉडर्न सिटी में, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पटना, बिहार में, ठीक है। ये जो प्लेस है पाटलिपुत्रा, ये नोन है फॉर इट्स सिग्निफिकेंस आर्किटेक्चर गार्डनर की वजह से, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जो एग्जीक्यूशन है, जो खुदाई है कुमारगढ़ की, ये साइट आपको देखने को मिलेगी नियर दी पटना। यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा अनअर्थ द रिमेन्स ऑफ द मॉडर्न पैलेसेस हमें देखने को मिलते हैं। ये प्रोवाइड करता है इनसाइट इनटू द आर्किटेक्चर एकम्प्लिसमेंट ऑफ द मॉडर्न एरा। तो मॉडर्न एरा के टाइम पे जो आर्किटेक्चर यूज होता था, वो आर्किटेक्चर का आपको यहाँ पर बहुत अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कुमारगढ़ में, जो ये कहाँ पर है आपका प्रेजेंट डे अगर आप देखोगे तो इन दी पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा आज कहाँ पर है आपका, आज वो है बिहार पटना में, ठीक है। चलिए, तो रीजन अशोका के टाइम पे ये बनाए गए थे। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द मीन अडॉप्टेड बाय द अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। तो अपने धम्मा की पॉलिसी को, धम्मा मैंने आपको बताया आफ्टर द कलिंग वॉर अशोका चेंज हर्सल, जितना क्रूर था वो उतना ही नेक रूलर बना, ठीक है। तो ही अडॉप्टेड द बुद्धिज्म। नाउ मेन पॉइंट इज कि वो धम्मा की पॉलिसी में, जो धम्मा है, तो उसमें क्या उसके मेन मैसेजेस थे जो वो स्प्रेड करता था। पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामंता। नेक्स्ट है मैसेज इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्ट ऑन द पिलर्स। नेक्स्ट इज ऑफिशियल वर डायरेक्टेड टू रीड आउट द मैसेजेस इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर्स टू दोज हु कुड नॉट रीड। लास्ट वन इज मोर देन अबव वन इज करेक्ट। प्लीज ट्राई टू आंसर एटलीस्ट कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्या हो सकता है इसका आंसर, एक बार ट्राई करिए। धम्मा में वो कैसे बताता था, मैंने आपको बताया ना, वो रॉक और पिलर का इंस्क्रिप्शन करते थे। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। पहले सबसे पहले तो देखिए अशोका धम्मा क्या है। अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ गॉड एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। तो मैंने आपको बताया धम्मा में ये नहीं था कि आपको गॉड की प्रेयर करना है या सेक्रीफाइसेस करना है। यू जस्ट नीड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रूल्स जो दोज आर मेंशन इन दी धम्मा, धम्मा की पॉलिसी में जो मेंशन थे। ही फेल्ट दैट जस्ट अ फादर ट्राई टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। तो उसमें जो धम्मा की पॉलिसी में जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स लिखे गए थे, वो इस तरह से थे कि जैसे हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं। सिमिलर वे में अशोका वांट्स की पूरी दुनिया को पता चले कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ, तो वो धम्मा की पॉलिसी की हेल्प से लोगों को बताना चाहता था। उसमें कोई भी पनिशमेंट या सेक्रीफिशियल टर्म्स नहीं थे।
ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई द टीचिंग ऑफ बुद्धा. वो बुद्धा की टीचिंग से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, तो इसीलिए उन्होंने बाद में बुद्धिज्म को भी अडॉप्ट किया था. और अपने बेटा और बेटी दोनों को श्रीलंका वाले रीजन में आज आप बुद्धिज्म देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ द अशोका. वहां भेजकर उन्होंने लोगों को अवेयर किया कि वट इज एक्चुअली द बुद्धिज्म रिलीजन इज. ठीक है, चलो. अशोका ने अडॉप्ट किया था फॉलोइंग मीन ऑफ स्प्रेड हिज मैसेज ऑन द धम्मा. सबसे पहले देखो ये क्या करता था, एक अपॉइंट करता था ऑफिशियल को जिसको हम लोग कहते थे धम्मा महामंता. वो क्या करता था, वो डिफरेंट प्लेस पे जाता था और स्प्रेड करता था उसके मैसेजेस को जो कि धम्मा में लिखे थे. ठीक है, पहली चीज उसने ये करी. ठीक है, क्या क्या किया उसने लोगों तक पहुंचाने के लिए. फर्स्ट पॉइंट इज दिस, वो एक पर्सन को अपॉइंट कर देता था, वो अनदर रीजन पे जाके इस पॉलिसी को बताता था. सेकेंड इज ही हैड हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर्स. दूसरा मैंने आपको बताया पिलर्स का इंस्क्रिप्शन करा के उसमें लिखे जाते थे कि ये पॉइंट्स आपके हैं, सो दैट दी कॉमन फोक कुड बी रीड. तो कोई भी जो नॉर्मल पर्सन है वो उसको रीड करे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे. एंड उसके अलावा ऑफिशियल वॉज डायरेक्टेड टू रीड आउट द मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर्स टू दोज हु कुड नॉट रीड. जो नहीं रीड कर पाते थे उनको ऑफिशियली डायलेक्ट्स के थ्रू बताया जाता था. दस वी कैन कंक्लूड दी मोर देन वन ऑफ दी अबव इज दी करेक्ट. तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज अशोका ने सिर्फ एक ही वे नहीं अडॉप्ट करा धम्मा को फैलाने के लिए, उसने अलग अलग मीन्स जो है उनको अडॉप्ट किया था. वो पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि क्या क्या अलग रीजन थे जिसमें उन्होंने अडॉप्ट किया था अपनी इस पॉलिसी को स्प्रेड करने के लिए. ठीक, चलिए अगला देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल वर नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. कौन सा इसमें से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है, बताइए. आगरा हरिका, दूसरा है आपका परदेशिका, नेक्स्ट वन इज राजू का, लास्ट वन इज मोर देन अबव इज करेक्ट. एक बार आप ट्राई करिए, मे बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट. आप एक बार ट्राई करिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, एक बार सोचिए. लेट्स डिस्कस. द करेक्ट आंसर इज जब पोस्ट मॉडर्न टाइम था तो वहां पे गुप्ता पीरियड में जो टर्म है अगा हरिका ये आपका चार्ज करता था जिसको हम लोग कहते थे दैट इज सेटलमेंट डेडिकेटेड टू द ब्राह्मणिज्म. वी कैन से कि दो अगारिका है ये नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये आपका मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं था. आपसे क्वेश्चन में पूछा था ना कि कौन सा पार्ट आपका मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, तो अगारिका जो है ये आपका मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है. ये आपका डेडिकेटेड है किसको, ब्राह्मण्स को, सेटलमेंट उनको करता था. ये आपका चार्ज था अगारहरा जो कि ब्राह्मण्स के ऊपर होता था. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये आपका आंसर करेक्ट है. ठीक है, बिकॉज ये पार्ट नहीं है. चलिए अब कुछ देख लेते हैं फिर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि हैं युक्ता. सबसे पहला टर्म आपको ध्यान रखना है युक्ता. युक्ता क्या है, युक्ता वॉज द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू इन द किंग. रेवेन्यू इन द किंग का ऑफिशियल चार्ज जो था दैट इज युक्ता. ठीक है, मौर्यन एम्पायर जो था वो डिवाइडेड था इन प्रोविंस में. उसके बाद दूसरा टर्म जो आपको ध्यान रखना है प्रदेशिका. तो प्रदेशिका जो है ये आपका हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता था. ठीक है, एक है आपका राजूकास. तो राजूकास जो थे ये ऑफिशियल लैंड मेजरमेंट करते थे. ठीक है, तो तीन टर्म आपको ध्यान रखने, मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ ओनली दीस टर्म, युक्ता, और दूसरा है आपका परदेशिका. सेकेंड टर्म इज परदेशिका एंड लास्ट वन इज राजूविका, राजूकास. ठीक है, तो ये तीन टर्म आपको ध्यान रखने. युक्ता वॉज द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द किंग. ठीक है, परदेशिका को आपको ध्यान रखना है हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. राजूकास जो थे आपके लैंड मेजरमेंट्स करते थे. ठीक, चलिए अब आइए नेक्स्ट में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका. अशोका का बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन इसमें से कौन सा है. ऑप्शन देखिए, लगामा, सेर आई कुना एंड लास्ट में तक्षशिला एंड मोर देन वन इज द करेक्ट आंसर. क्या होगा बताइए. बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन समझते हैं, जो दो लैंग्वेजेस में आपका इंस्क्रिप्ट किया गया है. तो अशोका का कौन सा ऐसा है जहां पर टू लैंग्वेजेस बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन किया गया है. लेट्स सी, देखिए यहां पर आपका है जो कंधार है ना, कंधार बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन जो है ये आपका नोन है कंधार एडिक्स में तो ऑफ अशोका. एंड लेस कॉमनली इसको हम लोग बोलते हैं चहेल जिजा एडिक्ट. ये आपका एक इंस्क्रिप्शन है जो कि ग्रीक और अरेमिक दो लैंग्वेजेस में लिखा गया है. डेटेड बैक्स कब से, 260 BCE से लेके यहाँ पर लिखा गया है. तो जो कंधार रॉक ग्रीक एडिक्स है ना, ये अशोका के मेजर रॉक एडिक्स में आपके आता है. तो अशोका ने जितने भी रॉक एडिक्स किए थे उसमें कुछ मेजर और कुछ माइनर आपके आते हैं. तो इंडियन एम्परर अशोका जिसने रिजाइन किया था 269 से 233 BCE तक, जो कि रिटर्न था आपका एक ग्रीक लैंग्वेज में एंड प्राकृत लैंग्वेज में. ये आपके कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको एंशियंट एरा में ओल्ड कंधार पे देखने को मिलते हैं, जो कि किस नाम से फेमस है, जोर से
इन पस्तों के नाम से फेमस है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर विल बी शेर ए कौनसा, जो कि एक बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है जो अशोका के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट अ फाइन स्पॉट ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका? तो अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट में कौन सा प्लेस नहीं है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बताइए कौन सा है जो मेजर रॉक एडिक्ट में नहीं आता है। ऑप्शन आर शोपारा, मनसेरा एंड बाबरू एंड लास्ट वन इज मोर देन वन अबव इज द करेक्ट। लेट्स सी, तो इसका आंसर है आपका बाबरू। बाबरू जो है ये बैरूत में है, जो कि रॉक एडिक्ट्स है, कंटेन करता है कन्वर्जन ऑफ अशोका टू बुद्धिज्म की तरफ। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका राजस्थान में लोकेटेड है। क्या ध्यान रखना है, इसके 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे अशोका के, एंड किंग अशोका जो कि ये एक मेजर रॉक एडिक्ट्स नहीं था। अब इसको आप एक बार ना मैप में देख लीजिए, यू कैन सी यहाँ पर देखिए माइनर रॉक एडिक्ट्स को गोल से लोकेट किया है छोटे वाले उससे, और जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उनको आप देखिए 14 होंगे टोटल। यू कैन सी ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा धौरी और यहाँ आपको मिलेंगे ऊपर, यहाँ देखिए आप देखिए इनको, दीज आर दी मेजर रॉक एडिक्ट्स, दीज आर नोन एज दी मेजर रॉक एडिक्ट। तो मेजर रॉक एडिक्ट कितने थे आपको ध्यान रखने हैं, दैट इज 14। ठीक है, आप इसको एक बार जस्ट मैप को अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करिए और देखिए कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड है आपके कौन कौन से पार्ट्स में। ठीक है, ऊपर आपको लुम्बिनी में मिलेगा, इधर आपको धौली मिलेगा, देखिए कहाँ के हैं, गिरनार मिलेगा गुजरात के पास। ठीक, चलिए अशोका जो था एक आपका बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर था इन द हिस्ट्री में, एंड इसको एक बार मैं आपको थोड़ा और क्लियरली समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे सारे जितने भी इसके मेजर और माइनर हैं उसको एक बार आपको मैं बता देती हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट माइनर रॉक एडिक्स। देखिए पिलर इंस्क्रिप्शंस भी जो उसने कराए थे वो भी देख लीजिए एक बार कहाँ पर है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने हैं लोकेशन ऑफ, पहले आप इसको समझिए, लोकेशन ऑफ माइनर पिलर एडिक्स, उसके बाद मेजर रॉक एडिक्स, एंड उसके बाद आपको ओरिजिन लोकेशन देखने को मिलेगी मेजर रॉक एडिक्स की, और कुछ कैपिटल सिटीज थी इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए माइनर रॉक एडिक्स कहाँ पर हैं आपके, उनको हम लोग लोकेट करते हैं। यू कैन सी आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है ये, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा राजूला महेंद्रगिरी में, दूसरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गावी मठ में और मस्की में। तो आपको जो ध्यान रखना है ना वो आपको इंपॉर्टेंट जो है वो मेजर जो रॉक एडिक्स हैं उनको ध्यान रखना है, माइनर को आप इतना मत देखिए, बस आप लोकेशन देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर वो है। ठीक है, अब मेजर की अगर हम बात करते हैं मेजर रॉक एडिक्स की, तो एक आपको यहाँ मिलेगा यरागुडी में, ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा ऊपर ही जस्ट मस्की, फिर इधर आएंगे तो आपको मिलेगा गिरनार, लोकेट करते रहिए मेरे साथ, नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा सोपरा, यहाँ पे आएंगे तो आपको एक रॉक एडिक्स मिलेगा दैट इज धौली। ठीक है, नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा जौगाड़ा, फिर ऊपर आइए, ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे खालसी, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको कंधार, जो कि ग्रीक और अरेबिक जिसमें मैंने आपको बताया था बायलिंगुअल, यही आपका। ठीक है, तो बायलिंगुअल का मतलब क्या होता है, जो दो लैंग्वेजेस में आपका लिखा गया हो। तो बायलिंगुअल कौन सा है हमारा, यही है कंधार। कहाँ कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ग्रीक और अरमेनिक, दो लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे दूसरे प्लेस पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मनसेरा। ठीक, चलो अब बात करते हैं हम लोग कुछ इसके इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में जो यहाँ पर दिए हैं, वो अभी आपको मैं मैप पे शो करूंगी स्टार्टिंग में। ठीक है, मैं दोबारा से आपको दिखाऊंगी जिसमें इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक, चलो देखो अशोका जो था आपका एक ग्रेटेस्ट रूलर था इन द हिस्ट्री में, ऑन हिज इंस्ट्रक्शन और इंस्क्रिप्शन की वजह से अशोका बहुत ही फेमस था। तो जब भी मौर्यन एम्पायर की बात आती है ना, अपने माइंड में तुरंत क्लिक करिए, यस द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज अशोका। अशोका ने स्टैटिक में बहुत सारे क्रूर वर्क किए, बट आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग, देखो यहाँ पे बताया है कि अशोका वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर टू द हिस्ट्री ऑन हिज इंस्ट्रक्शन। क्यों फेमस था, पहली चीज उसके इंस्ट्रक्शन के लिए, इंस्क्रिप्शन के लिए जो कि पिलर्स में थे एज वेल एज रॉक सर्फेस पे थे। ठीक, नेक्स्ट इज कलिंगा वॉर। कलिंग वॉर कब हुई थी आपकी, मौर्यन एम्पायर्स के वहां पे फॉट हुई थी, तो किस स्टेट के लिए हुई थी, स्टेट ऑफ कलिंगा, 261 BC में हुई थी, ये ध्यान रखना। धम्मा जो है, धम्मा क्या है आपका, एक सेट ऑफ एडिक्स है जिसमें पॉलिसीज ऑफ मॉडर्न एम्पायर की अशोका की लिखी गई थी। क्लियर हो रहा है, व्हाट इज धम्मा, धम्मा इज नथिंग, इट्स अ सेट ऑफ रूल जिसमें अशोका की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो चीजें आपकी लिखी गई थी। कलिंग वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 261 BC में हुई थी, आफ्टर द कलिंगा अशोका वॉज कन्वर्टेड इन टू बुद्धिज्म। अशोका के बारे में ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट रूलर था, क्यों, बिकॉज ऑफ इंस्क्रिप्शन पिलर्स एज वेल एज द रॉक एडिक्स। ठीक, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द लास्ट रूलर ऑफ द किल्ड बाय द पुष्पामित्रा सुंगा वॉज,
देखो, इसके बाद आपकी सुंगा डायनेस्टी शुरू हो जाती है, सुंगा डायनेस्टी आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो सुंगा डायनेस्टी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर जो लास्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर कौन सा था कह रहे हैं? आप एक बार पढ़िए ऑप्शंस और ट्राई करिए एक बार आंसर करने का कौन सा है इसमें। बिंदुसारा मैंने आपको बताया अभी क्लास के स्टार्टिंग में, बृहदत्ता, उसके बाद है देवावरम, लास्ट वन इज दशरथा। बताओ कौन सा है? ये देखिए, अब अशोका के बाद ना, अशोका के बारे में मैंने आपको बताया था, अशोका कहाँ का था आपका, कौन से उसका था, मौर्यन, मौर्यन रूलर, मौर्यन एम्पायर का था। अब अशोका के बाद आपका अगला जो आएगा ये आएगी आपके सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, सुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे ये हैं आपके कौन, पुष्पामित्र सुंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, सुंगा डायनेस्टी के जो आपके फाउंडर हैं नोन एज दी पुष्पामित्रा सुंगा, इन्होंने ही सुंगा डायनेस्टी फाउंड करी थी। कैसे करी थी? अशोका के टाइम पे मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट रूलर था उसको मार के इन्होंने खुद की डायनेस्टी अपनी बनाई, जिसको हम लोग सुंगा डायनेस्टी के नाम से बोलते हैं। अब ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर करने की कोशिश करिए। मैंने आपको अभी बताया था ना, बिंदुसारा तो नहीं होगा, अभी क्लियर किया है ना, बिंदुसारा तो आपका मौर्यन एम्पायर का था, तो बताओ आंसर करो, मैं एक मिनट आपका वेट करूंगी, प्लीज एलिमिनेट करिए, बिंदुसारा नहीं होगा। नाउ आइदर ए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ विल बी आंसर, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। ट्राई करिए क्या होगा, देवावर्मन, बृहदत्ता एंड लास्ट वन इज दशरथा। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर, क्या है इसका आंसर, ट्राई करो। चलो देखिए बताती हूँ मैं आपको व्हाट इज द करेक्ट आंसर। देखिए लास्ट रूलर जो था वो आपका कौन था, बृहदत्ता था। ये एसिनेटेड हुआ था किसके द्वारा, 183 BC में कमांडर ऑफ द चीफ्स जो थे जिनका नाम था पुष्पामित्रा सुंगा, इनके द्वारा इन्होंने इनको मार दिया था। तो पुष्पामित्रा सुंगा ने फिर अपना ही किंगडम स्टार्ट किया जिसको सुंगा डायनेस्टी बोलते हैं। देखो बताया ना मैंने, एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी दैट इज नोन एज सुंगा डायनेस्टी, कहाँ पर, नॉर्थ में ही किया था। ठीक, चलिए अब इसमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्पायर देखिए डायनेस्टी जो थी 137 ईयर्स तक इसने रूल किया। चंद्रगुप्त जो था वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट था। चंद्रगुप्त ने क्या किया था एक बार आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं सारे पॉइंट्स आपको समझाऊंगी, पूरा मौर्यन एम्पायर आपको इस लास्ट पॉइंट में, लास्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखना मैं क्रोनोलॉजी आपके सामने बना रही हूँ, मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी में सबसे पहले कौन है इसका फाउंडर आपका, चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने किसको हराया था, चंद्रगुप्त ने नंदा डायनेस्टी में लास्ट रूलर थे आपका धनानंदा, देखो धनानंदा को डिफीट करा, लास्ट रूलर जो थे जिनका नाम था आपका धनानंदा नंदा डायनेस्टी के, कहां पर इन्होंने इनको डिफीट करा और ऑक्यूपाइड करा इनसे पाटलिपुत्रा को, तो वहां से इन्होंने अपना मौर्यन एम्पायर स्टार्ट किया, इसलिए पाटलिपुत्रा उसके एक मेजर साइट में आती है। ठीक है, तो कौन से थे वो, चंद्रगुप्त थे जिन्होंने ये काम आपका किया था। तो इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से हैं मौर्यन डायनेस्टी के, सबसे पहले चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन है, चंद्रगुप्त आपके फाउंडर हैं। चंद्रगुप्त ने क्या किया, नंदा को, नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंदा को डिफीट करके अपनी डायनेस्टी बनाई जिसका नाम था आपका मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का बेटा आपका आता है बिंदुसारा। बिंदुसारा ने कोई ऐसे बहुत काम नहीं करे जिसको हम लोग कह सकते हैं, बहुत बेसिक से थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन, किसने सक्सीड किया, उसके बेटे ने जिसका नाम था बिंदुसारा। बिंदुसारा को हम लोग एक नेम से जानते हैं, ये है आपका अमृतो चैट्स एंड अमृत अमृता घट्टा के नाम से। ठीक है, ये बिंदुसारा का एक और नेम है। फिर उसके बाद अगला आता है आपका दशरथा, जो यहाँ पर दिया था ना। देखो बिंदुसारा का फिर बेटा आता है आपका अशोका। तो अशोका इज दी ग्रेट रूलर। अशोका के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, कलिंगा वॉर। ठीक है, अशोका ने क्या किया था, रॉक और पिलर का इंस्क्रिप्शन करवाया था पूरे इंडिया में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो इस ऑप्शन में दिया था ना दशरथा, वो आपका ग्रैंड सन था अशोका का। तो अशोका के ग्रैंड सन को हम बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, दशरथा। ठीक है, देवारमन जो वहां पे दिया था ये आपका सक्सीड हुआ था सेलुकस मौर्या के द्वारा, और इसने रिजाइन किया था फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 7 ईयर। ये आया था रूलिंग में बट बहुत जल्दी इसने आपका रिजाइन भी कर दिया था अपने इस पर्टिकुलर पोस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मौर्य डायनेस्टी के बारे में थोड़ी चीजें क्लियर हुई, व्हाट इज एक्चुअली मौर्य डायनेस्टी और कैसे ये रूल करती है। अब मैं आपको इसके फर्स्ट स्लाइड में एक बार पूरा कंप्लीट वे में एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज एक्चुअली दिस मौर्य डायनेस्टी इज। चलो देखो इधर, यहाँ पर अब पूरा हम इसको समझेंगे। अब आपने क्वेश्चंस कर लिए थोड़े तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। मौर्यन एम्पायर ईयर पहले, सबसे पहले ध्यान रखना है 250 BCE। ठीक, सेकेंड थिंग क्या ध्यान रखना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर है दैट इज अशोका। अशोका यानी कि मौर्यन एम्पायर के बाद नेक्स्ट डायनेस्टी कौन सी आती है, अभी मैंने आपको बताया सुंगा डायनेस्टी।
सुंगा डायनेस्टी में क्या होता है, पुष्पामित्रा सुंगा ने लास्ट मौर्यन एम्पायर रूलर को मार दिया और खुद अपनी एक नई डायनेस्टी बना दी जिसका नाम था सुंगा डायनेस्टी, ठीक है। और मौर्यन एम्पायर कैसे स्टार्ट हुआ था, उससे पहले आपकी एक डायनेस्टी थी नंदा डायनेस्टी, उसके जो रूलर थे धनानंदा, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने किल कर दिया था और खुद उस पर्टिकुलर प्लेस को, पाटलिपुत्र को कैप्चर कर लिया था और वहां से इन्होंने रूल करना स्टार्ट करा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पिलर एडिक्ट जो है ये एग्जाम में बहुत आते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पिलर एडिक्ट आपको मैं समझा देती हूँ, आप उनको याद रखना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका सांची, सांची इज वन ऑफ द फेमस पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है रानीगढ़, फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दिस इज दी सारावस्ती, ये छोटा वाला अनदर सिटी है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संकेसिया, फिर आप यहाँ ध्यान रखेंगे दिस इज दी वेरी फेमस प्लेस जो पाटलिपुत्रा है ना, पाटलिपुत्रा पे ही मौर्यन एम्पायर ने रूल करना स्टार्ट किया था, ये रहा पाटलिपुत्रा वाला एरिया, दिस इज द पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा कहाँ पर है आज की डेट में, बिहार में है, तो पाटलिपुत्रा से ही इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था। तो मोस्ट ऑफ दी जो पिलर इंस्क्रिप्शन है ना वो पाटलिपुत्रा के नियर बाय ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा वैशाली में, ठीक है, फिर आप आएंगे लुम्बिनी में, नागली सागर में, इधर आपको देखने को मिलेगा सारनाथ में, इलाहाबाद जिसका नाम अभी प्रयाग, इलाहाबाद नीचे प्रयागराज, यहाँ पे मिलेगा वैशाली में, मिलेगा लौरिया में, मिलेगा और रामापुरवा में मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज पाटलिपुत्रा में ही इन्होंने सबसे पहले अपना एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया था नंदा डायनेस्टी के रूलर को मार के, इसलिए मोस्ट ऑफ दी जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, पाटलिपुत्रा के नियर बाय रीजन में मिलेंगे। कुछ जो है अलग हैं उनको बस देखिए, सांची, नीचे आपको अमरावती, अमरावती पूछा गया है अशोका का कौन सा इंस्क्रिप्शन है, रॉक है क्या है, तो ध्यान रखना दिस इज द पिलर इंस्क्रिप्शन, पिलर एडिक्ट पे करने वाले एक आपका अमरावती भी यहाँ पर प्लेस है। बाकी यहाँ ध्यान रखना है सारनाथ, इलाहाबाद और यहाँ पे सांची, दिस इज इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे दिल्ली मेरठ, ये भी ध्यान रखेंगे, लुम्बिनी, लुम्बिनी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लुम्बिनी कहाँ पर है आपका, नेपाल में है, यही वो जगह है जहाँ पर किसका जन्म हुआ था आपका, गौतम बुद्धा का, कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में जो जगह है यहीं पे उनका बर्थ प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट मेजर जो है वो रॉक पिलर जो इंस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको समझाए, तो यहाँ पर अब इससे आपको थोड़ी चीजें पूरा क्लियर हुआ होगा मॉडर्न एम्पायर के बारे में। स्टिल कोई भी डाउट है जस्ट आस्क इन दी कमेंट सेक्शन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक अनदर कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जुड़े रहिए, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, थैंक यू।